السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم أخرجه الترمذي. صفوان بن عسال رضي الله عنه رواية کہ كي جبهم مسافر هوتي या सफ़र में होते तो रसोल्ला अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम तीन दिन और तीन रातें मोज़े ना उतारें के हालत जनाबत लाख हो जाए अलबत पेशाब और दिगर क़दाय हाजत और नींद की वजह से मोजे उतारने की ज़रूरत नहीं अब्बाद बिन तमीम उनके चचा से रिवायत करते हैं

जिसे यह खटकता हो कि नमाज़ की हालत में हवा खारिज हो गई हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح متفقون عليه वो मज़दीसे बाहर ना जाए, ता वक्ते कि उसे यकीन ना हो जाए, या या तो वो आवाज़ सुन ले, या फिर बदबू महसूस कर ले। अली बिन नबी तालिब रहिया अल्लाहु अन رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرماته كي مجي كسر السي مزي خارج ہوتي مجي شرم آتی كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي اس بارے میں دریافت क्यों कि आपकी साहेबजादी आपकी बेटी फातिमा मेरे निकाह में थी मैंने से कहा कि वो नबी करीम वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त करें तो आप वसल्लम ने फरमाया अपने अज् तनासुल को धो लो और वजू कर लो जाबिर बिन सम्ला से रिवाय थे

जिसने अपनी शर्म गह को हाथ लगाया उसे वजू करना चाहिए देखिए हम पिछले दरुस् में वजू के बारे में वजू के तरीक़े के बारे में बात सुनते आ रहे हैं तो आज का दरस होगा कि वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है नवाकिज़े वजू इंसान ख़ाय हाजत को पूरे करने के लिए जाता है तो उस वक्त उसका वज़ु टूट जाता है और इसी तरीक़े से एक आदमी ने सवाल ये किया कि अल्लाह के नबी उस आदमी को शक होता है कभी नमाज के अंदर खड़ा है तो उसे शक होता है कि शायद हो सकता है मेरे से हवा ख़ारिज हुई है तो ऐसा आदमी को जब शक हो तो क्या करें तो अल्लाह के नबी ने कहा जब तक आपको यकीन ना हो जाए यकीन का मतलब क्या है तो हवा ख़ारिज होने की या तो आवाज़ सुन लें या फिर बदबो महसूस कर लें अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप नमाज को कायम करें आपको नमाज में ही रहना है और इसी तरीक़े से इंसानी फितरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ें रखा है एक मनी है और एक मज़ी है मज़ी उस चीज़ को कहते हैं इंसान को शहवत के साथ निकलता है जब इंसान शहवत में पड़ जाता है तो इंसान को एक चीज़ गाढ़ा रहता है वो चीज़ वो निकलता है तो ये शिकायत हज़रतली रदील को थी, थी। बहुत ज़्यादा शिकायत थी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी निकलती थी तो अल्लाह के नबी से सीधा जाकर पूछना मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि अल्लाह के नबी की मेरी बीवी थी उनकी बेटी तो उन्होंने मकदात को पूछा जा पूछ किया उसके बारे में तो अल्लाह के वल ने कहा अगर जब किसी को मज़ी निकले तो उसे अतराफ़ व अकनाफ साफ कर ले फिर वज़ू कर ले उसके लिए नहाने की ज़रूरत नहीं है गसल करने की जरूरत नहीं है गसल उस वक्त है जब इंसान को मनी खारिज होता है तो मज़े अगर निकलता है तो उसके लिए हुक्म यह है कि इंसान क्या है अपने अतराफ व अकनाफ शरम को धो ले और वज़ू कर ले तो काफ़ी है और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपने बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया बकरे का गोश्त खा लिया अगर आप चाहे तो वज़ू कर सकते अगर नहीं तो कोई मुश्किल नहीं लेकिन अगर आप ऊँट का गोश्त खाते हैं तो ऊँट का गोश्त खाने के बाद आपको ज़रूरी है कि आप ज़रूर वजू करें और इसी तरीके से किसी ने शर्म को छू लिया अजव तनासु को छू लिया इसमें थोड़ा इख्तलाफ है अगर किसी ने कपड़े के ऊपर से छूया वजू करने की जरूरत नहीं, कपड़े नहीं। के है कपड़े के ऊपर से छूया अपने शर्मगा को उसको वजू करने की जरूरत नहीं है बाद में कहते हैं कपड़ा भी नहीं अगर बगैर शहवत को भी छीन लिया तो कोई मुश्किल नहीं है वजू नहीं कर सकते कोई मुश्किल नहीं है अगर कोई इंसान बग़ैर कपड़े के शहवत के साथ छूता है तो उसको वजू करना ज़रूरी है तो ये कुछ नवाकी से वजू थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है इन तमाम चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए इंसान को नहीं शर्माना चाहिए इस्लामी तालीमात को सीखने के लिए क्योंकि अल्लाह तआला मच्छर का मिसाल देते हुए नहीं शर्माता है जब इंसान को तमाम चीज़ें मालूम नहीं होती सीखने में क्या हर्ज है सीखना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों को और इसी तरीक़े से इंसान को जहाँ वजू करना शर्त है वहाँ वजू करना चाहिए और जहाँ गसल करना ज़रूरी है वहाँ गसल करना चाहिए और जैसे नमाज़ पढ़ने का वक्त हो वजू ज़रूरी है खान काबा का तवाफ़ करना है वजू ज़रूरी है कुरान को भी आप छूना चाहते हैं तो वजू करना ज़रूरी है इसके बग़ैर आपको कोई चारा नहीं है अल्लाह आलमीन से दुआ कर आलमीन मुझे और आपको कहीं सुनी बातों पर अमल पैरा होने की अता फरमाए और अल्लाह आलमीन दीन के सही तालिमात और सही सुन्नत और सही अहादीस के ज़रिए मुझे और आपको सीखने की अता फरमाए आमीन अल्लाम व वरक